Here it is. Welcome back to the new vlog. This is Shubham Garg and you are watching Life in Short. I hope you are all doing good. और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ. Guys, first of all, happy Holi to each and everyone who is listening my vlog. आपके जीवन में ऐसे ही रंगों की बौछार रहे, आप हमेशा खुश रहे. 2023 है. मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं. देखो, ये मेरा जीना है और ये बराबर में एक बराबर वाला दूसरा घर है. हम चुपके से ये वीडियो बना लेते हैं. ये मम्मी है और इस, अरे सॉरी यार, मैंने उठा दिया. बल्कि आप लोगों को मैं उठाने के बाद भी दिखाऊं. ये अंडे 3 हैं जो इस मम्मी ने दिए हुए हैं. तो इसको ये बैठ के सुबह शाम सहती है, मतलब सहती है, इस शरीर की गर्मी देती है. 4 अंडे हैं, देखो 1, 2, 3, 4. मैं थोड़ा सो जाऊँ, उससे पहले आप लोगों से थोड़ा कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ. मैं घर नहीं जा पाया, इसकी अलग अलग कहानी है. क्योंकि भाई कंपनी में USFDA ऑडिट चल रही है और USFDA ऑडिट अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेडमार्क होता है. को अभी दिखा देता हूँ सनराइज अपनी बालकोनी से, कितना प्यारा लगता है. ये अपनी बालकोनी है, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट, एक ऐसा जैसे फिल्म का सीन होता है ना, बिल्कुल. मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक चेयर खरीदूँ और चेयर लगाऊँ, फिर उसके बाद में सुबह कभी कभी यहाँ चाय का आनंद. ये भाई मकान देखो, जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुआ हूँ तब से ही बनता जा रहा है मकान. अब फाइनल हो चुका है, वरना जी 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 की आवाज़ आती है. पता है, त्योहारों की वैल्यू एक अलग सी समझ में तब आती है तब आप घर पर नहीं होते हो, घर वालों से दूर होते हो. तब मैं घर पर रहता था तो कभी कभी क्या है, होली पे या दीपावली पे सो जाते थे, पड़ जाते थे, बैठ जाते थे, ऐसे ही कर लेते थे. लेकिन आज मैं घर पे नहीं हूँ तो घर की वैल्यू समझ में आ रही है. और ब्रेकफास्ट में सोने से पहले ये थोड़ा सा फ्रूट खा रहा हूँ. ये मेरे को सेहत में काफ़ी अच्छा और आरामदायक लगता है, जिसमें पपीता, सेब और अंगूर हो गए. उसके बाद बस जस्ट सोना है. नींद पूरी हो गई है और मार्केट में चलते हैं. यहाँ का मेन मार्केट नालागढ़ का एक मेन मार्केट है, वहाँ पे कुछ मेरा एक दो काम है. यहाँ पे वैसा डर नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे होता था ना भाई, बाहर निकलने पे गुब्बारे उब्बारे पड़ जाते थे. तो जैसे वहाँ पे हमारे होली का दहन होती है ना, यहाँ पे किसी चौक पे वो होली का नहीं लगाई हुई है. यहाँ के घर देखो, घर में आप लोगों को बताऊँ तो एक ये बाहर का जो स्पेस होता है ना वो खाली छोड़ देते हैं यहाँ के लोग, जिसमें थोड़ा प्लांटेशन हो सके. और मेन डोर की भी यहाँ दीवारें बड़ी नहीं होती, मेन डोर भी हल्की छोटी दीवारों का होता है, फिर पीछे जाके रहना सहना होता है. जब मैं घर पे था ना तो हमेशा ये सोचता था होली पे, भाई मेरे घर वाले क्यों नहीं बाहर निकलने देते मेरे को. दादी होती थी ना, मेरी दादी तो बाहर निकलने नहीं देती थी, फिर आज पूरा बाहर हूँ. ये देखो, यहाँ पे ये पहाड़ होता था. देखो ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता ऐसे ही, मतलब चौड़ा छोटा था. अभी क्या है ना, ये मेन चौक है यहाँ का. ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेन चौक है यहाँ का. तो इसको पहाड़ को काट के ना ये लोग इसका रास्ता बड़ा कर रहे हैं, जिससे आना जाना पूरा हो सके. तो पहाड़ इस तरीके से काटते हैं ये लोग. देखो ये सारा आधा इतना बड़ा पहाड़ था, ये सारा का सारा काट दिया. और ये मिट्टी नहीं है, ये पहाड़ के पत्थर है मोटे मोटे. अब पहाड़ में लिमिटेड स्पेस होती है, हर जगह तरीके से उन लोगों को अपना व्यवसाय करना होता है, दुकान करनी होती है. तो ये देखो वही लिमिटेड स्पेस है. ये पूरा मेन एक चुराया है जिसको नालागढ़ पॉइंट बोल सकते हैं, नालागढ़ चुराया बोल सकते हैं. वो सामने सीधा का सीधा यहाँ पे जो सरकारी काम होते हैं वो हैं, कोर्ट हो गया, तहसील हो गया, और यहाँ से सीधा मार्केट हो गया. यहाँ से लेके और यहाँ तक मेन मार्केट है. और ये सामने जैसे प्राइवेट बस स्टैंड है वो है. मतलब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मान लो चलो 7 महीने मेरे को यहाँ पे हो गए आए हुए, फास्ट फूड का जितना मुझे शौक है ना, जिस तरीके से मैं खाता हूँ भाई, ढूंढ के खाता हूँ, बहुत बहुत सही तरीके से मेरे को फास्ट फूड पसंद है. और उसमें चाइनीज़ फूड ज़्यादा मस्त लगता है. तो यहाँ पे क्या है ना, इतना कुछ चाइनीज़ फूड के लिए जैसे जो बनाने की क्वालिटी होती है ना वो अपने दिल्ली और मेरठ में A1 है, तो यहाँ पे वो तरीके की नहीं मिल रही थी. अभी मैंने जस्ट वहाँ पे ट्राई की तो मस्त था. उधर बीरा का शौक था. सो फाइनली इतनी तलाश के बाद ना मेरी ये रिसर्च और तलाश पूरी हुई. ये है बीरू फास्ट फूड नालागढ़ के अंदर. वो इसकी मोमोज, आय हाय 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 हाय, मतलब इसके अंदर स्टफिंग भी मेरे को जैसे चाहिए थी वैसी है, चटनी जैसी चाहिए थी वैसी है. और इसकी खा के ना मेरे को एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ भाई, इतने टाइम से मैं जिसकी तलाश कर रहा था
वो यहाँ पे है। बाकी अभी मैं आया हूँ नालागढ़ बस स्टैंड पे कि यहाँ पे कुछ बच्चे होली वोली खेल रहे थे तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया तो अच्छा लगा। ये नालागढ़ बस स्टैंड है सारा का सारा। यहाँ पे कॉलेज की छुट्टी हुई होगी और ये सब लोग जा रहे थे तो इन लोगों ने होली मनाई यहाँ पे। अभी फिलहाल हम भी यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सो जाता हूँ जाके क्योंकि 7 बजे से जाना है। 7 से 7 मेरी ड्यूटी चल रही है, 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है यहाँ पे। भाई ये देखो परफेक्ट सीन, एकदम खेत खलियान दूर दूर तक और लगा दी बीचम बीच, जैसे घर वाले रोका कर रहे थे ना उसी काम को कर रहे हैं जब से हम बाहर निकले हैं। पर भाई एक बात है, दूर दराज तक कोई नहीं है और भाई यहाँ पे डांस करने वाले हैं एकदम ताबड़ तोड़ वाला। आज हो जाए चाहे कुछ ही, होली है, दुल्हनी है, दुल्हनी आज तो। घर से दूर रह के ना थोड़ा सा एक मतलब एक नन्ही सी उंगली पकड़ के चलने वाला सीन चाहिए। अब उंगली पकड़ ली हमने तो मतलब उंगली पकड़ते 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 पहले तो हम लोग अपनी एरिया में थे, फिर अपने एरिया से मतलब 7-8 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पे बीर बरियान जंगल में। अब बस थोड़ा सा नाचे कूदेंगे और बस होली का अपना वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसे, फुल स्टॉप। ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। ये नाचूंगा ऐसे उड़ती पतंग जैसे झूमे हवाओं के संग। ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त मलंग। मीठी बातों से नीली आंखों से मुझको खींचे तू अपनी ओर। ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। ढोल बजा ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। गरबे की रात में तू मेरे साथ में, रोके रुकेंगे ना हम। अरे ढोल बजा ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम। गरबे की रात में here it is all about our holi। देखो एकदम आके नहा लिया था मैं, उसके बाद में बस रंग वंग उतार दिया क्योंकि मेरे को ऑफिस में भी जाना है। गुलाल से हम लोगों ने सिर्फ होली खेली, इजी था उतारना रंग को। बाकी यहाँ पे हम लोगों का त्यौहार खत्म होता है, त्यौहार ऐसे ही मनाए जाएं, हर एक खुशियाँ मनाए जाएं। देखो मैटर नहीं करता है कि आप घर हैं बाहर हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। घर से बाहर रह के भी बहुत लोग अपने त्यौहारों को मनाते हैं, जैसे हमारे सैनिक भाई हुए या फिर कोई भी जो जॉब करता हुआ है या फिर कैसे भी एक मजबूरी होती है, एक इंसान की ज़रूरतें होती हैं, उसके साथ साथ करते हुए आप लोग हर त्यौहार मनाएं तो अच्छा फील होता है। बाकी टिल देन बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।